मैं एक सवाल खड़ा करता हूँ, भाजपा कांग्रेस सपा बसपा छोड़ो थोड़ी देर के लिए, पार्टियां आई आज है कल नहीं भी रहेंगी, देश तो रहेगा ना, बच्चे तो रहेंगे, आईआईटी के एंट्रेंस होता है, आईआईएम का एंट्रेंस होता है, ठीक, संघ लोक सेवा आयोग 60-70 किस्म की भर्तियां करता है क्या, इनमें कोई सोलवर नटवरलाल मुन्ना भाई मुन्नी बेगम कोई क्यों नहीं जा पाता, और उत्तर प्रदेश में बिहार में मध्य प्रदेश में जैसे ही राज्य के स्तर पर कोई इम्तहान होता है ये सारे बर्र के छत्ते के तरीके से कैसे आ जाते, ये मैं नहीं समझ पा रहा। दिल्ली दूर है, आप लोग वहां जाके नहीं सीख सकते, संघ लोक सेवा आयोग को पता नहीं मालूम, तो मैं बता दूं क्या समस्या है भाई, आपके वहां जो बाबू काजू खा रहे हैं वहां बैठे बैठे ठंडे में, वो क्या करते हैं आयोग में, जो लोग भर्ती हो गए हमारे टैक्स का पैसा जाया कर रहे हैं, काजू खा रहे हैं जूस पी रहे, वो लोग यहां से क्यों नहीं सीख लेते कि आईआईटी का इम्तहान कैसे होता है, एंट्रेंस का, आईआईएम का कैसे होता है, आईएएस की परीक्षा कैसे होती है। आपने कहीं सुना कि आईएएस का पर्चा कल्लू पान वाले क्या मिल रहा है, कहीं सुना, गुड्डू पंचर वाले क्या कहीं आईपीएस का पर्चा मिल रहा है, सुना नहीं ना। तो भाई साहब जब यहां मास्टर की भर्ती होती, लेखपाल की, चपरासी की, दरोगा की, सिपाही की, तो देश भर के हैकर जैकर टैकर यहीं किसे आ जाते, मैं ये समझना चाह रहा हूं, इस पर प्रकाश डालो भाई। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एक आपको थोड़ा सा छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि मान लो हम लोग रहते हैं नोएडा में जी, और नोएडा से दिल्ली की दूरी ज्यादा नहीं है, आप जब तक नोएडा में घूमते कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता, और जैसे ही आपकी गाड़ी दिल्ली में जाती है तुरंत सीट बेल्ट लगा लेते हैं, क्यों? कारण इसका यह है कि जब भी नोएडा में आप जा रहे हैं तो किसी ने आपको पकड़ा तो आपने तुरंत फोन मिलाया और किसी से बात करा दी, वो अधिकारी बेचारा डर गया, उसने आपको कहा अच्छा भाई साहब आप जाइए, ये व्यवस्था दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में आप किसी से बात नहीं करा सकते, चीजें नहीं करा सकते, तो बदला क्या, बदला सिर्फ आपका माइंडसेट, आपकी सोच बदली और कुछ नहीं बदला, नहीं भाई प्रदेश एक से दादा एक मिनट मनोज बाबू, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैं सैद्धांतिक बात में ना, मैं इतना ज्ञानी नहीं, मैं तो एक बात कह रहा हूं, एक बच्चे की आईआईटी में दाखिला करा दो, मूर्ख बच्चे की, ठीक का है, सारे वो मिलके मुन्ना भाई बोलते क्या बोलते सॉल्वर हैं, और 100 TET में माथा फोड़ो क्या, तब भी मुनाफे का सौदा है एक आईआईटी क्या, वहां क्यों नहीं ये लोग जाते, ये लोग उत्तर प्रदेश में ही क्यों, जैसे कुंभ का मेला लगता है सब आ जाते हैं, ये मैं समझना चाह रहा हूं, वो भी भारत में ही है, मोबाइल यही चलता है, वहां नहीं चलता, ये ब्लूटूथ और कौन ट्रूथ है, कौन क्या इंटरनेट है, क्या है क्लाउड है बाउड है, वो वहां नहीं चलता। मैं जामताड़ा वाले पर किसी में भेदभाव नहीं करते ना, वो तो जिसका मिलता उसका पैसा खा जाता है, अपने एक अकाउंट ट्रांसफर कर लेते, मैं ये समझ पा रहा हूं ऐसा कैसा जामताड़ा यहां बन गया नटवरलाल लोगों का कि वो केवल टीईटी कोई पकड़ते हैं, सिपाही भर्ती उत्तर प्रदेश पकड़ते हैं, दरोगा भर्ती, लेखपाल भर्ती, जो छोटे पद हैं, संघर्ष करने वाले वर्ग के बच्चे जहां जूझ रहे हैं, आईआईएम अहमदाबाद में एडमिशन करा दे, 5 करोड़ मिल जाएंगे, 10 करोड़ मिल जाएंगे, नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने एम्स में कभी सुना पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है देश की, मेरे हिसाब से एम्स में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ठीक, उससे कठिन और बड़ी परीक्षा कोई नहीं, क्या आपने कभी सुना कि कोई बाहर बैठ के कह रहा हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, गायनी 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 है, हार्ट हार्ट, न्यूरो न्यूरो, कोई मिलता है, ये यहां कैसे बोली लगने लगती है, लेखपाल लेखपाल आ जाओ, टीटी आ जाओ, बीटी आ जाओ, पंडित जी ये मैं समझना चाह रहा हूं, आज से नहीं, नहीं। मैं हमेशा फेड अप रहा उत्तर प्रदेश की इस व्यवस्था से, नहीं ये कुछ व्यवस्थाओं की कमियां हैं, ये पुरानी सरकारें चाहे नई सरकारें, हम सरकार की बात नहीं कर रहे, सरकार कोई भी हो, ये जो आयोग है जो इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, और दुरुस्तीकरण के बाद ही चीजें ठीक होने वाली हैं। मैं ये कहता हूं कि इसको कैसे हम लोग इसको और अच्छा, भैया एक बात बताओ क्या हम दुरुस्त करें, तो हमारे लिए चिट्ठी लिखवा दो, हम सब दुरुस्त कर दें,
कौन दुरुस्त करेगा, मसला ये है। आज जो चर्चा हो रही है कहीं ना कहीं इसका मैसेज जाएगा भैया, यही बात मैं मायावती जी के समय सुनता था मनोज जी, यही बात मायावती जी के समय सुनता था, यही बात अखिलेश जी के समय सुनता था, यही बात आज सुन रहा हूं, तो फिर तो कैसे चलेगा। इतने में तो एक पीढ़ी बूढ़ी हो गई, एक पीढ़ी बूढ़ी हो गई, उसका घर बिक गया, मकान बिक गया, बैल बिक गया, खेत बिक गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, व्यवस्थाएं सुधारने की आवश्यकता है भाई। आज के दौर में इतना टाइम लगता है व्यवस्थाएं सुधारने में मालिक, क्या अब तो सब टेक्नोलॉजी ने इतना सरल कर दिया। मीसम यदि आप मुझे बताइए, सारे गड़बड़ घोटाला करने वाले राज्य स्तरीय इम्तिहानों में क्यों सक्रिय होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो इम्तिहान हैं जिनका मैंने उल्लेख किया, वहां क्यों नहीं कोई अपना कौशल अजमाता है? आ रहे नजर आ रहे हैं, आपसे पूछेंगे। देखिए अमिताभ जी, मैंने आपसे बताया कभी, आपने आईएएस यूपीएससी एग्जाम के बारे में जिक्र किया, तो उससे कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की मदद मिलती है, देश में आईएएस निकल के आते हैं, सरकार चलाने में उनको सहायता करते हैं, उनके मनपसंद आईएएस होते हैं, तो उसमें सरकार का कहीं ना कहीं अपना रुझान जाती रहता है। और इस तरह के एग्जाम में जो लाखों करोड़ों में होती है, उनको ये मालूम है कि नौकरी हम दे नहीं सकते हैं, वादे हम पर गया है और अगले 5 सालों के बाद फिर हमको यही नौकरियों का ही वादा करना है। तो इतनी ये संख्या में अगर इस तरह से पास होकर के बच्चे आएंगे, परीक्षार्थी निकल के आएंगे, तो जाहिर सी बात है मिसाल जी वो अपना हक मांगेंगे और हक देने के पास इनके पास कोई टाइम नहीं बचा है। और इनको जो है वो सिर्फ सरकारें चलानी है और गद्दी पर बैठना है, राजशाही करना है, इनको जनता के बारे में सोचना नहीं है। जब आपको सोचना होगा तब आप उस पर फोकस करेंगे और बच्चों के भविष्य खिलवाड़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर मनोज जी बुरा मान रहे हैं मेरी बात का, मैंने फिर आपको रिपीट किया कि यहाँ पर देश का भविष्य बैठे हुए हैं संजीव वर्मा जी के रूप में, रजत जी के रूप में, ये सेटिस्फाई नहीं है। बात हो रही है यहाँ पर नौजवानों की और अभ्यर्थियों की और शिक्षा की, तो मैं चाहता हूँ कि ये उनको संतुष्ट करें, ना कि ये किसी तरह का कोई है। ये कब तक इस तरह के बहाने करेंगे, अमिताभ जी डबल इंजन की सरकार है, 5 साल हो चुका है, दूसरे 5 साल के लिए आगे बढ़ चुके हैं, तो आखिर अभी ये कितना और समय चाहिए, या 100 साल तक अंग्रेजों की तरह ये भी राज करना चाह रहे हैं, या आखिर इनकी मंशा क्या है कि आज आपके माध्यम से ठीक है साहब। ठीक रजत, रजत मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक, देश में 1000 किस्म के इम्तहान होते हैं, पवित्रता के साथ, प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ, कहीं कोई झंझट नहीं, कहीं कोई मुकदमा नहीं, क्या उत्तर प्रदेश में अगर मान लीजिए अलवर सालवर ये टिल्लू पिल्लू नहीं भी रहे, तो भी उत्तर प्रदेश के इम्तहानों में एक श्राप है, मैं श्राप ही कहूँगा, मैंने 3 सरकारों का उदाहरण दिया उनको देखते हुए, सब अच्छा हो जाए फिर भी एक अच्छा नहीं हो सकता। क्या मेघनाथ के जन्म में सारे ग्रह अच्छे बैठ गए लेकिन शनि नहीं माना, क्या वैसे ही सवालों में गड़बड़ियां तो जरूर होंगी और मामला हाईकोर्ट जरूर जाएगा। मुझे लोगों ने बताया कि भाई साहब भर्ती का विज्ञापन निकलता है और हाई कोर्ट के वकील पिटीशन टाइप करना शुरू कर देते, वो इम्तिहान का भी इंतजार नहीं करते, उन्हें पता है लड़के चल चुके हैं बांदा से, बरेली से, इलाहाबाद आएंगे। रजत जी मैं ही नहीं समझ पा रहा, जब भारत में ईमानदार परीक्षा कराने की प्रक्रिया दिल्ली से सबके सामने है, कानपुर के IIT में भी पढ़ने वही बच्चा जाता है जो उस टेस्ट से गुजर के जाता है, लखनऊ के IIM में भी वही जाता है, तो TET क्यों नहीं हो पाती ठीक से, ये मैं समझना चाह रहा हूँ रजत। बिल्कुल अमिताभ जी, क्योंकि युवा हल्ला बोल हम लोग 2018 से हम लोग काम कर रहे हैं इस संगठन के बारे में, हमारे मन में भी बहुत बार ये सवाल आया है कि यार सब परीक्षा तो गड़बड़ हो रही है लेकिन UPSC की परीक्षा बहुत सही तरीके से हो जाती है। तो हमारा उसके बाद एक हमने हमारा जो एक आम सहमति हमारी इस पे बनी, क्योंकि इस पे कोई सरकार से सवाल जवाब जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं तो कोई जवाब मिलता नहीं है, क्लियर ऐसी व्यवस्था को खराब बता दिया जाता। उसका कारण एकमात्र जो समझ में आया वो ये है कि सरकार चाहती है कि उसके पास IAS IPS लेवल के जो अधिकारी हैं उनका स्तर बहुत बेहतरीन हो, बेहद अच्छा स्तर, उसमें वो किसी भी तरह की कोताही बरतनी ही नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि उनके पास
एक भी ऐसा अधिकारी आए जो आने वाले दिनों में उसके लिए नाक का सवाल बन जाए, उसके लिए गड़बड़ का सवाल बन जाए। आप यूपीएससी की बात कर रहे हैं जो केंद्र सरकार कराती है, वही केंद्र सरकार एक मिनट रुको बच्चा, नहीं आपने इसमें ठीक तर्क नहीं इस्तेमाल किया। यूपीएससी केवल कलेक्टर और कप्तान पैदा नहीं करती, ये गलत है। ठीक बात है। अरे रुको भाई, वो डाक खाने का अधिकारी भी पैदा करती है, आप समझ रहे हैं ना, उसे केंद्र सरकार की सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, मैं आपको समझाता हूं। वो बेचारी, सुनो बच्चा, वो वन अधिकारी भी पैदा करती है, ठीक, फॉरेस्ट सर्विस का भी वही इम्तहान होता है। मैंने कहा 62 किस्म के चयन देती है, केवल कलेक्टर नहीं देती है। हम लोगों के दिमाग में गलत फहमी है देश के कि यूपीएससी मतलब कलेक्टर और कप्तान, नहीं, 62 किस्म की सेवाएं हैं जहां चयन करके देश में भेजती है लोगों को। आप बताइए रंजन जी। बिल्कुल सही बात है, वो अधिकारी जितने भी यूपीएससी से जाते हैं उसका आपका इंटरनेशनल लेवल का आपका एक तरह से ना लेवल आपका सेट करना होता है। नहीं, यहाँ अगर राज्यों, एक मिनट, ना ना ना, थ्योरेटिकल बात नहीं, यहाँ राज्यों में अगर वो लेवल, वो नेशनल है, इंटरनेशनल है, ब्रह्मांड जो भी लेवल है, अगर अप्लाई कर दे तो क्या उसमें पैसा ज्यादा लगेगा, क्या देश का सोना बिक जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। मैं वही बता रहा हूँ ना कि जिस केंद्र सरकार की आप यूपीएससी की बात कर रहे हैं, वही केंद्र सरकार एसएससी और रेलवे की भी परीक्षा कराती है। रेलवे की परीक्षा 4 साल से अटकी पड़ी है, क्या कारण है, क्यों, वहां तो यही केंद्र सरकार करा रही है, यही एजेंसियां करा रही है, वही अधिकारी बैठे हैं, सब बाबू बैठे हैं, वही एसएससी करा रही है, सेम परीक्षा कराती है, वहां क्या कारण है, सिर्फ यूपीएससी में ही हो रहा है। यूपीएससी, मेरा हमारा मानना यही है, इसलिए कारण एकमात्र है, आपकी बात ठीक है कि वो तरह तरह की उसमें परीक्षाएं होती हैं, सिर्फ कलेक्टर और आईपीएस कप्तान नहीं चुने जाते हैं उसमें, और भी तरह उसमें आप बिल्कुल जाएंगे तो दानिश और दानिक स्तर के नीचे लेवल के भी अफसर उसमें जाते हैं, सब बहुत सारी परीक्षाएं उसमें, वन सेवा भी जाती है उसमें, लेकिन उसका एक इंटरनेशनल पैमाने पर जब वो अधिकारी, अब मान लीजिए हमने कोई फॉरन सर्विस का अधिकारी चुन लिया है, अब उसको इंटरनेशनल लेवल पे हमें प्रेजेंट करना है, तो हम तो उसमें चाहेंगे नहीं कि हमारे देश की शान खराब हो। मैं चाहूंगा नहीं मेरे ऑफिस में कोई कोई अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में अगर कोई अधिकारी बैठा है। ठीक है, और एक चीज मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, ये देखिए, मैं अभी पीईटी की परीक्षा में मैं ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थी को जानता हूँ अभी जिन्होंने पीईटी की, क्योंकि क्वालिफाइंग परीक्षा है और इसमें हर कोई चाहता है कि मैं अपना स्कोर इम्प्रूव करूँ पिछले साल से, ताकि अगली बार कोई वैकेंसी आए तो अगर उसका कोई कट ऑफ रहेगी तो मैं उसको पास कर जाऊँ। इस बार सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पीईटी का दोबारा एग्जाम देना देना नहीं चाहा, क्यों, क्योंकि भर्तियां ही नहीं आ रही, ठीक, उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं निकल रही। ठीक 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 भाई, एक बात जान लीजिए, केवल इसी पर अगर हम बार बार फोकस रखेंगे, जो पिछले 1.5 दशक से मैं इस ऐसे विषयों पर चर्चा कर रहा हूं, 1.5 दशक से कम जितना मुझे याद है, हो सकता है उससे पहले से कर रहा हूं, कोई हल तो निकला नहीं, इसलिए अब मैंने अपनी दिशा थोड़ी बदली। मनोज पंडित, आपके पास आ रहा हूं, मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं जिस कमरे में आप परीक्षा कराते हो ना, ईटीईटी की, पीईटी की, मास्टर की, बाबू की, चपरासी की, सिपाही की, दरोगा की, ठीक, जहां एक घपले घोटाले भगवान का आशीर्वाद रहता है, प्रचुर मात्रा में होते रहते हैं, है, और लट्ठी चलता रहता है, उसी कमरे में यूपीएससी की परीक्षा होटल में नहीं होती, वही केंद्र है स्कूल, ठीक, यूपी में भी ऐसा तो नहीं कि यूपी में जो पर्चा भरता है यूपीएससी का, उसका इम्तिहान बंबई में हो रहा है, ऐसा तो है नहीं, वही इन्विजिलेटर ऐसा भी नहीं होता कि यूपीएससी कहीं जहाज भर के इन्विजिलेटर भेजती है नए अपने, ऐसा भी नहीं है मनोज जी, वहां ठीक हो जाता है। आज तक कोई मुझे बच्चा नहीं मिला जिसने कहा कि भाई साहब मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं यूपीएससी के खिलाफ।